हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों ठीक है, हम भी। तो दोस्तों आज मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अचानक से। पिछले 2 महीने से, आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 2 महीने से कंटिन्यू दवाई खा रही है, बट इसको कोई भी अभी तक कोई भी आराम नहीं मिला है। और मैंने इसका ब्लड टेस्ट वगैरह सारा कुछ चेकअप भी करवा दिया है, बट अभी तक कोई भी आराम नहीं मिला है। दवाई इसकी कंटिन्यू चल रही है, दवा कंटिन्यू खा भी रही है। मतलब कि ऐसा हो गया है, जितनी जल्दी दवा खाती होती है तो इसको असर रहता है। जैसे ही दवा नहीं खिलाती हूँ, और मतलब सपोज एक टाइम में दवा नहीं खिलाती हूँ, तुरंत इसको बुखार आ जाता है। मैं दोस्तों मतलब 2 से 3 डॉक्टर भी बदल चुकी हूँ, बट अभी तक कोई इसको आराम नहीं मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्तों, इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। दोस्तों अभी हो रहे हैं शाम के साढ़े, शाम तो नहीं है, अभी दोपहर ही है, मतलब 4:15 बजने वाले हैं। और आप यकीन करेंगे, मैंने सुबह अब जस्ट अभी खाना खा के बस बाल वगैरह बांधे और बैठी हूँ। तो बहुत दिन हो गए दोस्तों, मैंने अपने चोटी नहीं करी थी, बहुत दिन हो गए, मैंने सिंदूर भी नहीं डाला था। तो मैंने सोचा सिंदूर डालूँ, क्योंकि मतलब बेटी बीमार रही थी, तो सारा दिन इसलिए कि उसमें लगी रहती हूँ कि कहीं ये रो ना दे, कहीं बीमार ना, मतलब बीमार तो है, अगर रोएगी तो और ज़्यादा इसको इफेक्ट होगा। तो क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे सूखती जा रही है, सूखती जा रही है, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, 6 महीने की थी जब ये, जब इसका वेट 6 किलो था, आज ये 9 महीने की हो गई, अभी भी इसका वेट मतलब 6 किलो से भी कम हो गया, आप लोग समझ सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा हष्ट पुष्ट थी कि हमारे इस मतलब हमारे पूरे परिवार में ऐसा कोई बच्चा नहीं था जितनी हष्ट पुष्ट थी। इसको लेकर बहुत ज़्यादा हम लोग सीरियस रहते हैं, मतलब इसको किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने देते, मतलब जो मतलब जो चीज़ चाहिए इसको इसको पहले से पहले ही ला के रख देते ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट फिर भी बीमार पड़ते हैं दोस्तों, बहुत दुख होता है। आप लोग जो भी पेरेंट्स हैं वो उनके साथ में ऐसा होता है तो समझ सकते हैं कि हाँ यार बच्चों को मतलब वो यार कुछ करे ना करे, बट वो बीमार ना पड़े तो ऐसा ही रहता है, बट बीमार पड़ जाते हैं ना तो हमारी तो जान निकल जाती है। दोस्तों आज सुबह ही मतलब बहुत अच्छी थी, 7 डेज से मैं इसको मतलब 1 हफ्ते पहले मैंने इसका ब्लड टेस्ट करवाया, इसकी दवा चल रही है। तो हाँ सुबह ही मतलब दवा ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा लेने जाऊँगी, तो सिर्फ मैंने इसको मतलब बुखार भी ख़त्म हो गई थी, बाकी तो रखी थी एंटीबायोटिक रखी थी, तो मैंने नहीं मिलाया। और मतलब बुखार की दवाई दूसरी रखी थी पहले भी, तो इसको ना गैस प्रॉब्लम और पेट दर्द की प्रॉब्लम हो रही है पिछले 1 हफ्ते से। तो मैंने पिला दिया इसको, और क्या बोलते हैं कि अचानक से सोते सोते इतनी ज़ोर से रोई, मुझे लगा शायद डर गई है, सपना वगैरह इसने कुछ देख लिया होगा। तो मैंने इसको काफ़ी चुप कराया, बहुत देर तक चुप कराया, सब 10 मिनट तक नहीं चुप हुई, तो मुझे लगा शायद इसको कोई प्रॉब्लम है। फिर हम दोनों इसको फटाफट से हॉस्पिटल ले गए, और वहाँ पर जाकर इसको दिखाया तो सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे ऐसा है। तो उसने फिर से दवाइयाँ दी, और 1 हफ्ते के बाद फिर से हम लोगों को बुलाया। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये सो रही है मेरी प्रिंसेस, अभी सो रही है, और हम फिर भी हो तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में ब्लॉग बना लूँ, आप लोगों के साथ बातचीत कर लूँ। तो यार क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा टेंस हूँ, और आप लोग समझ सकते हैं यार, इसको संभालने वाला कोई नहीं, सिर्फ मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं, बच्चों को भी संभालना होता है, सारा कुछ मुझे देखना पड़ता है, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है जिसके साथ मैं इसको दे सकूँ कि लो भाई बेटी लो लो और मतलब मैं काम कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, मुझे खुद से ही सारे काम करने पड़ते हैं, खुद ही इसको देखना पड़ता है, टाइम नहीं मिल पाता है कभी कभी। मैं मतलब मैंने परसों ब्लॉग डाला था, कल नहीं डाल पाई, मिस हो गया क्योंकि सारा दिन में ऐसी भी लगी थी, तो कल मैंने नहीं डाल पाई ब्लॉग, और आज को अभी शूट करके डाल दूँगी दोस्तों, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, मेरी मजबूरी है कुछ दिन के चलते, मैं बंदी हुई हूँ, नहीं ब्लॉग डाल पाती हूँ, उसके लिए सो सॉरी। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों हमारी बेटी के लिए जरूर, आप कुछ करें मत करें, बट हमारी बेटी के लिए जरूर प्रे करना कि हमारी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों आप यकीन नहीं करें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा, एक तो घर की टेंशन, ऊपर से बेटी की टेंशन होती है ना, मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुबह से मैंने अब खाना खाया, आप लोग समझ सकते हैं, बेटी को फीडिंग कराती है, वो बहुत जोर लगती है। अब मैंने खाना, अभी जस्ट मैंने रोटियाँ बनाई हैं, अब जाके कि मैंने खाना खाया, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह से, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लूँ, वरना फिर बेटी जग जाएगी तो फिर ये मुझे बनाने नहीं देगी।
दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं आपसे। बाय बाय।